एक पोस्ट किया था कि टिंडर पे तुम्हारा भाई काफी दिनों से मच्छियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, फाइनली एक मच्छी फंस चुकी है भाई। आली 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 आली, और ये शानदार माल है बाबा। टिंडर में आप ही थी क्या? यस। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ब्रेकअप चाहिए और मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, मैंने आज एक नया बंदा बना लिया है। भाई मेरे को तो वो मिली टिंडर में, मैं टिंडर में मिली, मेरा मैच हुआ। अबे तू मेरा नाम पूछ लेना, सुन मेरी बात। कौन है कौन बंदा ये? बदमाश सभी बदमाश है। मर्डर। ऑर्डर करो, मैं आ रहा हूँ गाड़ी पार्क करके। ओके जल्दी निकल ले फटाफट, मेरे को नहीं रुकना इधर। हटो भैया हटो, जल्दी हटो। आली 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 आली, और ये शानदार माल है बाबा। हाँ बैठिए। हाय। टिंडर में आप ही थी क्या? यस। टिंडर में आप ही थी ना? यस। इतनी अच्छी लगती हो क्या आप? मतलब मुझे लगा शायद टिंडर में लड़िया फिल्टर यूज करती है ना। नहीं। सुमित सिया कॉल पे बात हुई है हमारी। फिर कहीं अभी मतलब चले या फिर डेट, मतलब कोई कॉफी वगैरह चलते थोड़ी देर से? ठीक है अभी फिर चले। ओके अच्छा, ये क्या क्या है ये? समझ नहीं आ रहा। स्टॉकिंग्स। क्या स्टॉकिंग्स? स्टॉकिंग्स पैंट। स्टॉकिंग्स एज अ लेगी। अच्छा ठीक है ठीक है, होता होगा लड़कियों का कोई तो मुझे। चलो फाइन कोई बात नहीं, बेड लगा लो प्लीज। एंड आपका गेट फिर से खोल के लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि लगानी है। तो भाई ये मैडम जी पता नहीं क्या क्या पहन के आई है, ये क्या स्टॉकिंग्स? स्टॉकिंग्स। अच्छा तो ये शॉर्ट्स के नीचे पहना जाता है? हाँ। ताकि पैर काले दिखें? नहीं लुक्स को एनहांस करने के लिए। हमारे लिए कुछ होता है कैसा लड़कों के लिए? नहीं नहीं, दुनिया में हर चीज इनके लिए तो बनी है, हमारे लिए कुछ नहीं बना, हमारे लिए बस लौंडे बने हैं और कुछ नहीं। वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, बस थोड़ा सा पेट आ गया है ना। क्या? अरे अरे वो बेल्ट लगाया ना, बेल्ट बेटर लगता है, कोई पेट नहीं है भाई। देखो एब्स नहीं है पर मेरे पेट भी नहीं है, बेइज्जती मत करो यार सामने। पेट बेट कहाँ है मेरा, पागल हो क्या? तो सही साठ लग रहा हो एकदम बेहतरीन। अब जिसका पेट नहीं वो सीट भी तो नहीं है। हाँ, भाई आदमी की दिक्कत ये है, पेट है तो दिक्कत है, ना है तो दिक्कत है। दुबला है भाई, तू तो हड्डी रखा हुआ है, हवा में उड़ जाएगा, और मैं हेल्दी हूँ तो बस फिर पेट निकला हुआ है। चलो और बताओ अपने बारे में, मतलब कौन से कॉलेज में पढ़ती हो आप? बीटेक। ओहो आईटी वाले बंदे हो, हम ठहरे भाई कॉमर्स वाले। अच्छा कॉमर्स। कॉमर्स वही बीबीए बीकॉम क्या उखाड़ लेंगे, इसलिए तो यूट्यूबर बन गए आज। नहीं तो फिर तुम्हारी तरह पढ़ रहे होते कोई जॉब वॉब कर लेते। सही है ये भी बात है, इस रोड से लेते हैं, रोड अच्छी लग रही है। आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय कॉफी ठंडा गर्म जो भी आप बोलो? कॉफी। कॉफी चलो कॉफी पीते हैं। कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी? हॉट मत पियो, आप ऐसी हॉट लग रही हो तो कहीं आग ना लग जाए गाड़ी में, इसलिए आप कोल्ड कॉफी। हरियाली है पता है, मेरी गाड़ी में हरियाली आई है, सीट पे लौंडे लौंडे बैठ रहे हैं, बियर पी रहे हैं, गाड़ी खराब कर रहे हैं। बड़े दिनों बाद एक स्मेल आ रही है मुझे पॉजिटिविटी की, एक लड़कियों की खुशबू अलग होती है। बाकी तुमने देखा मेरा चैनल कि नहीं देखा ये बताओ? देखा बिल्कुल, देखा देखा है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है टिंडर का, ठीक है, तो मैंने कम से कम आंख बंद करके खट 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 मैच मारता गया मैं पूरे। अच्छा। तो आपके पास भी, आप फीमेल हो, आपके पास कम से कम 1000 मैच तो पर डे के आते ही होंगे, क्योंकि तो आप वैसे भी बहुत हॉट हो तो फिर तो आपने इस नाचीज का ही मैच एक्सेप्ट क्यों किया? इवन क्या देख के किया, प्रोफाइल देख के किया कि चेहरा देख के क्या, या बात करके? प्रोफाइल भी देखा था मैंने, और मुझे मतलब सेम एज के लगे और लुक भी मुझे पसंद आया। अभी तो कह रहे थे आप पेट है, तो ये नहीं देखा था ना। क्या बात कर रही हो, उसमें था नहीं क्या पेट? नहीं नहीं, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई, मैंने कोई एआई यूज नहीं किया हटाने के लिए अपना, ठीक है ना? दिल बोल रही है, जो दी जेन्युइन फोटो डली है भाई, जो इंस्टा पे डली है वो इस पे डली हुई है। एक्चुअल में नहीं, पेट पे ही रहना जरूरी होता है, क्यूट लगते हैं बंदे ना। तो अब मैं क्यूट हूं या हैंडसम, एक चीज बोल दो, क्यूट तो बच्चे होते हैं। ओके ओके हैंडसम। अच्छा तो आपने, अच्छा इसीलिए मेरा ही वो, मेरा क्या था, मैंने टिंडर पे लॉग इन मारा भाई, अब मुझे तो चाहिए थी हरियाली, तो मैं जंगल की ओर निकला, तो मैं टिंडर पे ना, अब टिंडर बोला भाई 10 मैच फ्री हैं,
उसके बाद आपको खरीद के मैच मिलेंगे अनलिमिटेड फ्री। मैंने कहा इतना पैसा है, बोला 1000 रुपए महीना 2 महीने ले। उसके बाद मैंने करी आंख बंद और लिया माता रानी का नाम, खड़ 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 मैच डालता गया मैं। ओके ओके नो प्रॉब्लम। हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अच्छा कोई बात नहीं करनी है तुमसे, जो भी है खत्म करो, ब्रेकअप नहीं, मुझे नहीं करनी है तुमसे कोई बात। सॉरी आप, मैं समझा नहीं, 2 मिनट गाड़ी रुकूं क्या मैं? ओके okay. किसका फोन था आपके, फ्रेंड वगैरह का फोन था क्या? नहीं एक्चुअली मेरा एक्स या बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं उसे। तो एक्चुअल मैं उसे पसंद नहीं है कि मैं किसी के साथ जाऊं, और मैंने उसे बता दिया था कि मैं एक डेट पे जा रही हूं, जस्ट बिकॉज़ मुझे उससे ब्रेकअप करना है, उससे बहुत परेशान हो चुकी हूं। वो एकदम बदमाश है। तो अभी कुल मिला के यू आर मिंगल, मतलब रिलेशनशिप में हो? हाँ, बस मैं खत्म करना चाह रही हूँ। पर मैं तो सिंगल लड़की ढूंढ रहा था, मैंने प्रोफाइल में भी सिंगल ही डाल था कि मुझे प्रॉपर सिंगल लड़की चाहिए, कि मैं भी सिंगल हूँ। तो इसे ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ अभी? अभी हुआ नहीं है, कर रही हूँ मैं। कहाँ का ये बंदा? ये यहीं का है, बस इसी एरिया में रहता है और बहुत बदमाश है, मतलब कि फालतू हरकतें करते रहना और ये सब चीजें। गुंडा यू मीन? यस, पीछे पड़ गया है मेरे, परेशान करके रखा है। पीछे कैसे? तुम छोड़ दो उसको, फिर हटा दो, खत्म सॉर्ट कर लो भाई, खत्म कर लो। भाई ट्राई कर रही हूं मैं। ट्राई मतलब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है चीजें? हाँ अभी नहीं है। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या इसमें? कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ? कोई उसको धमकाना वगैरह है क्या? तो वो तुम गरीब बदमाश है भाई, हम तो सच्चे आदमी है, सिंधी परिवार के आदमी, पेट वाले। चलो कोई नहीं, कॉफी तो पियो, ठीक है? okay. बाद में समझते हैं उसको, कुछ रास्ता निकालते हैं। हो रहा है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं करनी है बात तुमसे, मुझे ब्रेकअप चाहिए और मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, मैंने आज ही एक नया बंदा बना लिया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ डेट पे आई हूँ। खत्म करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। हाँ मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, बाहर हूँ, दोबारा मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना। या पास में सीसीडी है क्या? ऊपर वहीं बैठ के कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं। चिंता मत करो, बॉयफ्रेंड तुम्हारा ऐसे खुद मतलब तुम उसे इग्नोर करोगी ना, तुम्हें ऑटोमेटिक छोड़ देगा वो, इतना लोड मत लेना। ज्यादा दिक्कत करे मेरी बात करा देना, कहाँ का बदमाश है मैं भी देख लूंगा ना उसको। यार यहाँ से लिखते हैं, रुको। ओके। वहां से ट्रैफिक पड़ेगा बहुत ज्यादा। उसी का फोन है फिर से? हाँ। अरे इसकी तो जान ही नहीं खा छोड़ रहा तुम्हारी। हेलो, इसको बताया किसी ने? हेलो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं डेट पे आई। बात करा ना मेरी, कौन है ये लौंडा? तुम बात कर लो। हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है फिर? भाई पहले तमीज से बात कर लो, तमीज से बात कर रहा हूँ ना। तमीज से क्या, तू मेरी बंदी के साथ क्या कर रहा है ये बता। भाई आपकी बंदी को मैं पकड़ के लाऊंगा घर से, खुद से अपनी इच्छा से आई है वो। भाई मैं नहीं जानता आपको, पहले एरिया में रहता हूँ। तो पहले जान ले, उसके बाद किसी को बैठाने के पहले ना अपनी गाड़ी में सोच लेना, नहीं तो ना तू रहेगा ना तेरी गाड़ी। सुन तो, कहाँ का बदमाश है तू? अबे कहाँ का बदमाश नहीं, नाम पूछ लेना आगे तू। अबे तू मेरा नाम पूछ लेना, सुन मेरी बात, अब मेरी बात सुन ले। क्या बदमाश है ना तू, ये करके छोड़ दिया मैंने पहले 10वीं क्लास में, समझा? भाई तेरी बात, मेरी बात सुन ले भाई, तू लड़ना है तो तू लड़ ले भाई, ये तो बात कर ले। बात क्या, चल बात करना भाई। भाई तेरी बंदी को मैं पकड़ के लाया हूँ घर से, मुझे क्या सपना आ रहा है भाई? मुझे भाई, मेरे को तो वो मिली टिंडर में, मैं टिंडर में मिली, मेरा मैच हुआ हम लोग।
चल नहीं छोड़ रहा जा, क्या कर लेगा तू? तेरी बंदी बोलेगी ना तो छोड़ दूंगा, तू कौन होता है बोलने वाला? अरे आ जाना फिर, चल रुक आके मिलता नहीं तू। क्या क्या बदमाशी करी तूने? मर्डर है क्या तू? अबे तू जानता नहीं है, देख लेगा तो मिल जाएगा सामने गाड़ी का। अबे जा बे, कौन है ये बदतमीज? अबे चल बे, चल निकल यार, ज्यादा बदतमीजी मत कर, ये उठवा दूंगा तेरे को दो मिनट में, बदमाश निकलवा दूंगा पूरी तेरी, समझ गया? तेरे से बदमाश जेल में पड़े सड़ रहे, तलवे चाटते हो हम जैसे लोगों के, समझे तुम? अबे तेरी ऐसी देसी, तुम्हें इसको छोड़ना है तो फिर खत्म करो, छोड़ो यार, क्यों तुम भी इतना झेलती हो? कौन है कौन बंदा ये बदमाश? सच में बदमाश है? मर्डर। पहले बताना चाहिए ना, नहीं तो जान से मार दे, या तो फिर मुझे, मैं बच गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा फिर। भाई हम इन चीजों से दूर है, क्यों दूर है? हमें करने को बहुत कुछ है, बस करने को कुछ नहीं है ना, वो यही बदमाशी पेलते हैं। मैंने करी और छोड़ दी, मेरे पास अब बहुत बड़ा करियर है, परिवार है, सब लोग हैं भाई, मुझे अपना घर भी चलाना है, मैं सब नहीं कर सकता बदमाशी वगैरह। सच में मर्डर किया इसने? यही रहता है, आसपास ही रहता है वो। भाई तुम तो छोड़ने के लिए कर रही हो, कहीं मैं दुनिया से ना छूट जाऊं तुम्हारे चक्कर में। नहीं सही हो, चलो कॉफी वॉफी पीते हैं, अपन चलते हैं फिर। ये वाला कैफे यार गाड़ी की जगह नहीं है। चलो तुम एक काम को उतरो और तुम कोल्ड कॉफी पियोगी, मैं भी सेम ऑर्डर करो, मैं आ रहा हूँ गाड़ी पार्क करके। आया पाकर के? हाँ हाँ, आवाज जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी निकल लो, तेजी में निकल लो। वो गई कैफे के अंदर, अब मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा कि निकलना क्यों है मुझे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें रीजन, रुको जल्दी भगले सुमित भाई, जल्दी भगले। अरे हटो, तुम्हारी ऐसी तेजी भाई, मामला गड़बड़ है इधर। अरे हटो तुम्हारी बहस की, कुछ चाचा पहले मेरे को जाने दो, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। देख तो नहीं रही, निकल लो भाई फटाफट। भाई जल्दी निकल ले फटाफट, मेरे को नहीं रुकना इधर। अरे रुक जा भाई, जिम्मी वाले बंदे भाई, निकलो फटाफट यहाँ से, तेजी में निकलो। और मैं बता रहा हूँ क्यों, रीजन तो मैं बता रहा हूँ, दो मिनट रुको। अरे हटो, मेरे को जगह छोड़ने दो पहले। अबे तेरी चाचा, जा जा जल्दी जाओ, हटो भैया हटो, जल्दी हटो भाई। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को नहीं पढ़ना उलझनों में, मेरे को लड़की पटानी है, मेरे को लड़की के आशिकों से पिटर वाला झगड़े नहीं करने, बात साफ बात है भाई। बदमाश लड़का था, मैं समझ गया उसका नाम, मैंने सुन रखा है, जो नाम लिया ना उसने, नाम नहीं रिवील करूंगा, शायद वीडियो देख के मेरी लंका लगा देगा भाई। घर वाली बात कुछ नहीं है, बट हमें लफड़ों में नहीं पड़ना। मैंने टिंडर को 2000 रुपए दे रखे हैं भाई, वो मेरे को अलग लड़की दे देगा, मैं इसलिए भाई हाथ जोड़े भैया। अरे यार मैं डर, मेरे को मैं खुश हो गया भाई, लड़की एक नंबर थी, लड़की जो मैंने देखी ना वही लड़की थी एग्जैक्ट पूरी, पर जब मुझे पता पड़ी असलियत भाई लफड़ों वाली लड़की है वो। अब पता नहीं क्या सोच रही होगी भाई, पहले उसका नंबर ब्लॉक करो भाई। भाई मेरे को घर के पास छोड़ के आया हूँ, उसके साथ दूर नहीं छोड़ा मैंने, खुद रैपिडो करेगी निकल जाएगी भाई। ये जो है नंबर, मैंने देख लो भाई, ये देख लो भाई, ये मैंने तुम लोग को दिख रहा होगा अनब्लॉक दिस कॉलर, ये मैंने ब्लॉक कर दिया भाई। लफड़ों में सुन भाई को नहीं पढ़ना, और लड़की मिल जाएंगी भाई, मेरे 2-3 मैच और निकल आएंगे, बहुत मैच डाल रखे हैं मैंने बजरंग बली। वो बदबाद निकल पड़ी थी भाई, वो पागल है क्या? बदबाद निकल पड़ी थोड़ी पटानी है मैंने, भगो भगो। एंड गाइस वो मुझे फोन तो बहुत लगा रही होगी, बट साला मैंने ब्लॉक ही कर दिया, वो क्या सोच रही होगी? मतलब ऐसा तो पता है लड़कियां करती हैं लड़कों के साथ, पर तुम्हारा भाई थोड़ा उल्टा चलता है। मतलब मैंने छोड़ के आ गया भाई, मैंने भाई मुझे लफड़ों में नहीं पड़ना, एरिया अलग है, कहूँ लड़की ने सेडिंग कर रखी होगी साला यूट्यूबर है, उसको तो लूटना है भाई। हम थोड़ी किसी को जानते हैं टेंडर के थ्रू, हमें क्या पता लड़की कौन है, क्या बैकग्राउंड से रखती है, क्या बैकग्राउंड नहीं करती है। तो इसलिए भाई मेरे ने तो बोला
अब मैं क्या बोलता भाई कि मैं जा रहा हूँ, मेरा भाई हटाओ खत्म, वो समझ जाएगी भाई फट्टू लड़का निकला। भाई देख तू लड़की अगर देख भी रही हो मेरी वीडियो, जो भी तेरा नाम था सीआर टेंडर वाली, मेरी फटी नहीं, मुझे उस पंगों से दूर रहना है भाई, मेरे को पंगे चाहिए नहीं, और पंगा हो गया तो हो गया, या तो मैं मरूंगा तो वो मरेगा, या तो मैं उसको मारूंगा मुझे मारेगा, ठीक है, बट जब तक मैं दूर हूँ तो दूर हूँ पंगों से भाई, सीधी बात है।